हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस रॉयल गवर्नर। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड पोर्टर गवर्नर। सो लेट मी स्टार्ट। दिस इज द डायग्राम फॉर रॉयल गवर्नर। हेयर यू कैन सी दिस इज द आर्म एंड दिस इज द फ्लाई बॉल्स। द वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन पोर्टर एंड रॉयल गवर्नर इज दैट the arm is attached to an extra link which is extended from point B। यहां पर देखिए, जैसा कि पोर्टर गवर्नर में हम लोगों ने देखा था कि जो बॉल थी, जो फ्लाई बॉल थी, वो कनेक्टेड थी यहां पे एट पॉइंट बी पर। लेकिन रॉयल गवर्नर के केस में जो बॉल है वो एक एक्स्ट्रा लिंक अटैच की गई है बी पर और यहां पर अटैच किया गया। ऐसा क्यों किया गया आगे हम लोग देखेंगे, जैसे ही इसकी वर्किंग और इसका डेरिवेशन देखेंगे तो हम लोग इसका इफेक्ट क्या पड़ता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बाकी चीजें सेम है। यहां पर सेंटर में स्लीव पर एक वेट रखा गया है जो जिसका मास एम है और इसका वेट एज यूजुअल डाउनवर्ड एक्ट करेगा स्लीव पर। इसको हम डब्ल्यू एस नाम दे रहे हैं। और ये जो लिंक है इस स्लीप पर जहां पर कनेक्ट है, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं सी। और ये जो एंगल बना रहा है वो है बीटा। और ये वाली जो आर्म है जिसको हम लोग आर्म बोलते हैं, उस आर्म को हम लोग यहाँ पर स्पिंडल पर पिवोट किए हुए हैं एक सिस्टम यहाँ पर। तो देखिए ये जो केस है, इस आर्म को हम यहाँ पर भी अटैच कर सकते थे जबकि यहां पर अटैच किया गया है। तो इस यहां पर अटैच करने पर और इस टॉप पॉइंट पर अटैच करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का जो गवर्नर होता है, जो जहां पर स्पिंडल की जो एक्सिस है उसके पहले ही एक लिंक लगाकर हम अटैच कर देते हैं आर्म को, इस टाइप के गवर्नर को बोलते हैं ओपन टाइप, ओपन गवर्नर बोलते हैं। और जब कोई डिफरेंस नहीं आता है हाइट ऑफ गवर्नर, तो हाइट ऑफ गवर्नर क्या होती है, जो इस आर्म को अगर हम एक्सटेंड कर दें स्पिंडल एक्सिस पे जहां पर कट करेगी वहां से, और ये जो फ्लाई बॉल जहां पर अटैच है इस लिंक पे, यहां तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है वो होती है हाइट ऑफ गवर्नर। और इस पॉइंट बी की स्पिंडल के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो होती है आर, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। तो अब ये जो है फ्रॉम इंजन से पावर आता है, इस पावर थ्रू बेवल गियर ट्रांसफर होता है इस स्पिंडल को। तो स्पिंडल रोटेट करता है विद द ओमेगा स्पीड से स्पिंडल रोटेट करना स्टार्ट करता है। और जब ये स्पिंडल रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो ये जो आर्म और ये लिंक एक्स्ट्रा है वो अटैच है स्लीव से, और ये पूरा मास भी रोटेट करना स्टार्ट करेगा। और जब ये मास जिसका वेट डब्ल्यू बी है, वेट ऑफ बॉल, वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो इस पर क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम एज पोर्टर गवर्नर। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर लग रहा है, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो बॉल है, ये बॉल कुछ बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करेगी, बाहर की तरफ फैलना स्टार्ट करेगी। तो जिससे क्या होगा कि ये स्लीव ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करेगी। और जब स्लीव ये ऊपर की तरफ उठेगी तो हमने प्रीवियस में देखा था जो पोर्टर गवर्नर था उसमें जब ये स्लीव ऊपर जा रहा था तो जब यहां से एक बेल क्रैंक लीवर के थ्रू थ्रॉटल वाल्व को अटैच करते थे तो थ्रॉटल वाल्व ओपन हो रहा था, सॉरी थ्रॉटल वाल्व क्लोज हो रहा था। और जब थ्रॉटल वाल्व क्लोज हो रहा है तो जो फ्यूल की सप्लाई है इंजन को वो कम हो जाएगी, और जब फ्यूल की सप्लाई कम हो जाएगी तो इंजन के पे पावर कम प्रोड्यूस होगा जिससे इसकी स्पीड इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी और जो लोड का फ्लक्चुएशन हुआ है इंजन में उसको कंट्रोल करता है। तो देखिए अब यहां पर देखिए, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस में देखा था कि ये लिंक बीसी है, जो ये बीसी रोटेटरी मोशन भी कर रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है। तो ये हम मान के चलेंगे कि ये जो लिंक बीसी है इसका जो आई सेंटर होगा उस अपने आई सेंटर पे प्योर रोटेशन में होगा। तो आई सेंटर इसका कहां होगा,
देखते हैं आई सेंटर जब हम इसको बनाते हैं, ये लिंक बीसी कनेक्ट है यहाँ पर और स्लीप में यहाँ पर, तो इस पॉइंट को अगर हम इस तरह से प्रोजेक्ट करें और इस पॉइंट सी पर जहां कनेक्ट है इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करें, तो ये जिस पॉइंट पे कट करेंगे एक दूसरे को, यही होता है आई सेंटर। अब इस आई सेंटर के अबाउट ये जो लिंक है बीसी, ये क्या करेगा, प्योर रोटेशन में होगा। तो जब प्योर रोटेशन में होगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए इस पॉइंट आई जो कि आई सेंटर है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट लेंगे, ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका हम मोमेंट लेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो मोमेंट जीरो के इक्वल करेंगे तभी जो इसकी वर्किंग है उस तरह से कंप्लीट किया। देखिए आई पे हमने क्या किया कि इस पॉइंट बी से एक वर्टिकल ड्रॉ कर दें, और वर्टिकल ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट को यहां पर हमने नाम दे दिया डी। नाउ ये जो एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा पॉइंट ए पर है, तो यहां पर ये वाला एंगल हो जाएगा अल्फा, और ये एंगल बीटा है तो ये एंगल हो जाएगा बीटा। नाउ एट पॉइंट आई, एट इंस्टेंटेनियस सेंटर हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट आई सेंटर इज इक्वल टू जीरो करेंगे। तो यहां पे देखिए एक जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी है वो इस फ्लाई बॉल पे लगेगा और इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आई के अबाउट ये जो एफ सी है वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा तो एफ सी इंटू इस यहां से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेंगे, तो डीई एफ सी इंटू डीई हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉल। ये जो बॉल है इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन से इस आई के अबाउट डिस्टेंस कितनी है, आई इंटू डी, तो वेट ऑफ बॉल ये क्या इस आई सेंटर के अबाउट इस लिंक को क्या करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये रोटेट करेगा तो डब्ल्यू बी इंटू आई डी हो जाएगा आई के अबाउट मोमेंट। और एक ये जो वेट रखा हुआ है सेंट्रल वेट, सेंट्रल वेट रखा गया है, ये लगेगा डब्ल्यू एस डाउनवर्ड इस टोटल सिस्टम पे, इस टोटल गवर्नर पे, लेकिन जब हम इसके हाफ पार्ट को कंसीडर करेंगे तो ये डब्ल्यू एस बाई टू यहां पर लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट सी पर, ये लगेगा डब्ल्यू एस बाई टू, और इस पॉइंट पर लगेगा डब्ल्यू एस बाई टू। तो जब इस सिस्टम को कंसीडर करेंगे तो यहां पर डब्ल्यू एस बाई टू इसको भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा आई के अबाउट, तो उसको हम लेंगे डब्ल्यू एस बाई टू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी इंटू आई सी आई सी। नाउ डी को हम इधर भेज देते हैं, एफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आई डी डिवाइडेड बाई डी और आई सी डिवाइडेड बाई डी। अब देखिए एक जुगाड़ करते हैं हम लोग, जुगाड़ ये है कि आई डी बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं, आई डी बाई बी डी इंटू बी डी बाई डी, बी डी बाई बी डी से हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और यही सेम जुगाड़ इसके लिए भी करेंगे। तो डब्ल्यू एस बाई टू आई डी, अब आई सी के साथ क्या करते हैं, आई सी को क्या लिख सकते हैं, आई डी प्लस सी डी, तो आई डी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई हमने क्या किया बी डी इंटू बी डी बाई डी, क्या क्या है? ये जो है यहां पर भी बीडी बाई बीडी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक बीडी को इसके साथ रख दिया, एक बीडी को इसके साथ रख दिया। देखिए ये जुगाड़ करने से हुआ क्या, देखिए यहां पे जो बीडी है बीडी बाई डी दोनों से कॉमन ले लिया बाहर आ गया, आईडी बाई बीडी की बात करते हैं तो आईडी बाई बीडी अल्फा है ये एंगल 90 और आईडी बाई बीडी क्या हो जाएगा टेन अल्फा, तो tan अल्फा हो गया id by bd। नाउ id by bd यहां भी है प्लस cd by bd है, क्योंकि bd by de को हमने कॉमन ले रखा है और इस bd को दोनों के डिवाइड कर देंगे तो id by bd प्लस cd by bd हो जाएगा, तो id by bd की वैल्यू क्या है tan अल्फा है, tan अल्फा हमने लिख दिया प्लस cd by bd, cd by bd तो ये एंगल है बीटा, ये एंगल 90, तो cd by bd क्या हो जाएगा tan बीटा, तो tan बीटा हो गया यहां पे। नाउ अब क्या करेंगे, एफ सी इज इक्वल टू
यहां से हमने tan अल्फा कॉमन ले लिया, tan अल्फा कॉमन लेने के बाद wb plus wf by 2 1 plus tan बीटा by tan अल्फा आ गया। तो सीधा क्या करते हैं कि जैसे हमने प्रीवियस में देखा था उसमें क्या किया था, tan बीटा by tan अल्फा को हमने क्या ले लिया था k, तो यहां भी वही करते हैं, let k is equal to tan बीटा by tan अल्फा, और tan बीटा by tan अल्फा रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसी क्वेश्चन में हम रख देते हैं tan बीटा by tan अल्फा, सॉरी fc, नाउ fc की वैल्यू क्या रख देंगे, fc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर, नाउ ये m किसका हो जाएगा, बॉल का, क्योंकि fc बॉल पे लग रहा है, तो m r ओमेगा स्क्वायर, और मास को हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय g, तो यहां से हम क्या करते हैं fc की वैल्यू को क्या रखते हैं, वेट ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय g इनटू r इनटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू bd बाय d, bd बाय d इनटू tan अल्फा, tan अल्फा की अगर हम बात करें तो देखिए ये है एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, यहां से ये एंगल मिल जाएगा अल्फा, और जब ये एंगल अल्फा हो गया तो यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी है r है, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये है h हाइट ऑफ गवर्नर, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r / h, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे r डिवाइडेड / h ब्रैकेट में वेट ऑफ बॉल wb plus ws by 2 ब्रैकेट में 1 plus k, क्योंकि यहां पर tan बीटा by tan अल्फा को हमने k ले रखा है, तो ये हो गया 1 plus k, यहां से r कैंसिल हो जाएगा और हमको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ h जो कि हाइट ऑफ गवर्नर है, जब हम इसको फाइंड करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा bd by bd by de into g by omega square, और इस वेट को हम इसके नीचे ले आएंगे wb plus ws by 2 ब्रैकेट में 1 plus k होल डिवाइडेड by वेट ऑफ बॉल, नाउ ये आ गया आपका हाइट ऑफ गवर्नर इन केस ऑफ प्रोएल गवर्नर, तो इस हाइट ऑफ गवर्नर को अगर हम अभी तो ये वेट के टर्म में है मास के टर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, वेट बराबर क्या रख देंगे हम डब्ल्यू सॉरी मास इनटू जी, तो ये हो जाएगा बीडी बाई डी इनटू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, यहां पर रखेंगे तो मास ऑफ बॉल इनटू जी प्लस वेट ऑफ स्लीव के लिए मास ऑफ स्लीव इनटू जी डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 1 प्लस के होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉल इनटू जी, और ये जी ये जी ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद क्या होगा, एच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बी डी बाई डी इंटू जी बाई ओमेगा स्क्वायर एम बी प्लस एम एस बाई टू वन प्लस के होल डिवाइडेड बाई मास ऑफ फ्लाई बॉल, नाउ द इक्वेशन इज कन्वर्टेड इंटू द इन टर्म्स ऑफ मास, दिस इज द हाइट ऑफ गवर्नर इन केस ऑफ प्रोएल गवर्नर। नाउ देखिए क्या है कि ये प्रोएल गवर्नर का डेरिवेशन जो हाइट आपने निकाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोग इसको अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि पोर्टर प्रोएल और बॉट इन तीनों में से पोर्टर और प्रोएल गवर्नर का डेरिवेशन आप लोगों को पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। नाउ इस पे अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सो आई होप दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू, थैंक यू।